आज हम जानेंगे सर रेफरेंस के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में, साथ में उन्हें एग्जांपल के साथ यूज करके भी देखेंगे। मैंने एक छोटा सा डेटा बना रखा है, मैंने A1 सेल में 10, A2 सेल में 20, A3 सेल में 30 लिख रखा है, B1 सेल में 20 और C1 सेल में 30 लिख रखा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल रेफरेंस होता क्या है। इसके लिए मैं जाऊंगा D6 सेल में, तो D6 सेल कौन सा है मेरा, ये मेरा D कॉलम हो गया, ये 6 रो हो गई, तो D6 सेल मेरा ये है। यहां पर मैं दे रहा हूं इक्वल, ठीक है, आप किसी भी सेल में इक्वल दे सकते हो, मैंने D6 सेल में दे दिया। अब देखिए, जब हम किसी भी सेल में इक्वल देते हैं तो एक्सेल को पता चलता है कि अब हम उस सेल में फॉर्मूला या फंक्शन को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी भी सेल में इक्वल देते हैं तो एक्सेल को पता चलता है फॉर्मूला या फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। जो भी फॉर्मूला या फंक्शन हम अपने सेल में लिखते हैं वो हमें अपने फॉर्मूला बार में भी शो होता है। जो भी हम फॉर्मूला फंक्शन सेल में लिखते हैं वो हमें अपने फॉर्मूला बार में भी शो होता है, ये मेरा फॉर्मूला बार है। ठीक है, तो जब भी हम इक्वल लगाते हैं तो एक्सेल को पता चलता है कि अब हम फंक्शन या फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस सेल में फॉर्मूला या फंक्शन की जगह किसी भी सेल का नेम दे दूं, किसी भी सेल का नेम दे दूं, जैसे कि ये मेरा A1 सेल है, ये मेरा A कॉलम है, ये 1 रो है, तो यहाँ पर अगर मैं A1 लिख दूं, ठीक है, A1 क्या है, मेरे सेल का नेम है, अगर मैं किसी भी सेल का नेम दे दूं A1, तो इसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं जब इसे कहते हैं हम सेल रेफरेंस। मैंने क्या करा, ये मेरा D6 सेल था, D कॉलम 6 रो, तो ये मेरा D6 सेल था, मैंने क्या करा D6 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दे दिया। कैसे रेफरेंस दिया, इक्वल और उस सेल का नेम लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आप जैसे एंटर प्रेस करोगे, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो A1 सेल में जो भी वैल्यू होगी वो आपको D6 सेल में मिल जाएगी। तो A1 सेल में 10 है, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहां पर आपको D6 सेल में 10 मिल जाएगा। ठीक है, ये सेल रेफरेंस होता है। फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पर वैल्यू शो नहीं होगी, वैल्यू आपको सिर्फ सेल में शो होगी। ठीक है, जो भी A1 सेल की वैल्यू थी वो सिर्फ आपको वैल्यू शो होगी D6 सेल में। लेकिन D6 सेल में अगर आप फॉर्मूला में देखोगे तो आपको वहां पर सेल का नेम मिलेगा जो कि A1, क्योंकि हमने D6 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दिया है, इसलिए फॉर्मूला बार में आपको A1 सेल जो कि रेफरेंस सेल नेम होता है वो आपको शो होगा। ठीक है, क्लियर, सेल में आपको वैल्यू मिल जाएगी A1 सेल की, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको A1 शो होगा जो कि हमारे सेल का नेम है, रेफरेंस वाले सेल का नेम है। ठीक है, अब देखिए ये होता है हमारा सेल रेफरेंस। अब यहाँ पर 10 था, अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दोगे, जैसे यहाँ पर मैंने 10 की जगह यहाँ पर मैंने कर दिया 15 कर दिया, तो जैसे आप 10 की जगह 15 करोगे तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की जगह 15। ठीक है, क्योंकि हमने सेल का रेफरेंस ले रखा है, A1 सेल का रेफरेंस ले रखा है D6 सेल में, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे वो वैल्यू आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है, और फॉर्मूला बार में आपको उस सेल का नेम शो होगा जिससे आपने रेफरेंस लिया, इसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 15 की जगह 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको सेल रेफरेंस समझ में आ गया हो। अब देखिए सेल रेफरेंस होते कितने तरीके के, सेल रेफरेंस होते कितने तरीके के, 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो। ठीक है, चारों रेफरेंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने D6 सेल में, आप किसी भी सेल में जा सकते हो, मैं D6 सेल का यूज कर रहा हूँ। D6 सेल ये है मेरा, मैंने इक्वल दिया, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेल का रेफरेंस दूंगा A1 सेल का, तो ये सिंपल यहाँ पर लिखूंगा A1। ठीक है, A1, यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या करा, मैंने D6 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दे दिया। अब आगे क्या होगा, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो A1 सेल की जो भी वैल्यू होगी A1 सेल में वो हमें यहाँ मिल जाएगी, जो कि 10 है, तो हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है। देखिए ये A है, जो ये A क्या है, ये हमारा कॉलम, ये A मेरा पूरा कॉलम हो गया। ठीक है, और ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ये 1 मेरा पूरा रो हो गया। ठीक है, A1, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी A1 सेल, मैंने D6 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, सेल रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस होता क्या, ये समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहाँ पर, ये हमारा सेल है, यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का साइन होता है जो कि होता है फिल के लिए, फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट। ठीक है, अब मैं जब इस वैल्यू को नीचे फिल डाउन करूंगा, ये क्या है 10, और ये सेल क्या था हमारा A1 सेल, तो जब मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा
तो देखिए ये जो ए वन है, ये ए वन से क्या हो जाएगा ए टू, यहाँ पर ये ए वन की जगह हो जाएगा ए टू, जब मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो ये हो जाएगा ए टू, तो ए टू में हमारे पास कितना है 20, तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा। देखिए ए कॉलम है टू रो, तो ये ए टू, ठीक है ए टू, तो यहाँ 20 आ जाएगा। और इसको फिल डाउन करूंगा मैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा सेल का रेफरेंस बन जाएगा ए थ्री, ए थ्री सेल में हमारे पास कितना है 30, तो यहाँ पर हमारे पास 30 आ जाएगा। मैं इसको और फिल डाउन करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा ए फोर, ये रिलेटिव रेफरेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो ए फोर में क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो यहाँ पर हमें जीरो मिलेगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में कोई वैल्यू डाल दी, कोई भी वैल्यू डाल दी, जैसे यहाँ पर मैंने 6 डाल दिया, ठीक है, यहाँ मैंने 6 डाला, तो यहाँ जीरो की जगह 6 आ जाएगा। ये रिलेटिव रेफरेंस है रो वाइज, क्योंकि देखिए 6 7 8 9 ये हमारी रो है 1 2 3, इन्हें रो कहते हैं। कॉलम कौन से होते हैं, ए बी सी डी, ये कॉलम है, तो ये रो वाइज रिलेटिव रेफरेंस है। अब कॉलम कैसे यूज करेंगे रिलेटिव रेफरेंस में, ठीक है। अब देखिए ये फिल डाउन होता है, अगर मैं इसको फिल राइट करूं, ठीक है फिल राइट करूं, तो ये कौन सा रेफरेंस है, ये जो 10 है जो हमने लिया था, ये ए वन सेल था, तो यहाँ पर मैं फिर से पहले ए वन ही कर देता हूँ, तो ये ए वन सेल था। जब मैं इसको फिल राइट करूंगा, जब मैं यहाँ से इसको फिल राइट करूंगा, तो हमारे पास कौन सा सेल आ जाएगा, बी वन, बी वन सेल में क्या है 20, जब मैं इसको फिल राइट करूंगा तो ये सेल हो जाएगा हमारा बी वन, जब मैं इसको फिल राइट करूंगा तो बी वन सेल में हमारे पास 20, ये जो सेल होगा ये हमारा बी वन हो जाएगा, और बी वन सेल में हमारे पास 20 है, तो 20 आ जाएगा। इसको और फिर राइट करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 क्यों आएगा, क्योंकि ये C1 सेल का रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा C1, C1 सेल में 30 है और यहाँ पर 30 आ जाएगा। और फिर डाउन कर फिर राइट करेंगे तो ये बन जाएगा D4, ठीक है, फिर राइट करेंगे, देखिए ये A1 था, A1 से A1 B1 हो जाएगा, C1 फिर उसके बाद D1, तो D1 में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ 0 आएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू आप डाल दोगे, जैसा मैंने 8 डाला, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, ये रिलेटिव रो रेफरेंस बताया, ठीक है, 10 20, और ये हमारा जो कॉलम वाइज होता है ए बी सी डी, ये कॉलम होते हैं हमारे, ठीक है, ए बी सी डी ये कॉलम होते हैं, 1 2 3 ये रो होते हैं, तो रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट रेफरेंस देखते हैं, नेक्स्ट रेफरेंस है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या है एब्सोल्यूट रेफरेंस, अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे यूज होता है इसको देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा रेफरेंस है वो है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या है एब्सोल्यूट रेफरेंस, अब देखिए सबसे पहले मैं अपने D6 सेल में जा रहा हूँ, आप किसी भी सेल में जाते हो जा सकते हो, मैं D6 सेल का यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा D6 सेल है, इक्वल A1 दिया मैंने, क्या करा इसी सेल का रेफरेंस दे दिया, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, मैंने क्या करा सिंपल A1 सेल का रेफरेंस दे दिया, ठीक है, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बनेगा कैसे, एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे बनेगा, ठीक है, देखिए हमारे कीबोर्ड में ना एक बटन होता है, कौन सा बटन होता है F4 बटन होता है, हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है F4 का, जब आप इस बटन को एक बार प्रेस करोगे इस रेफरेंस पे, ठीक है, आपने इक्वल दिया A1 आपने, जब आप इस सेल पे, ठीक है, इस रेफरेंस पे एक बार F4 प्रेस करोगे, सिर्फ एक बार F4 प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आपको डॉलर का साइन मिल जाएगा। डॉलर का साइन कैसे मिलेगा, देखिए ये जो ए है ना ए, ये ए क्या है, ये मेरा पूरा कॉलम है, ये ए मेरा कॉलम है, ये जो वन है, ये जो वन है, ये मेरी पूरी वन रो है, ठीक है। जब ए के आगे कोई डॉलर आ जाता है, जब ए के आगे डॉलर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, एब्सोल्यूट मतलब इसकी जो पोजिशन है इसकी फिक्स हो जाएगी। अब देखिए ऐसी जो वन है ये रो है, इसके आगे भी डॉलर है, तो ये भी क्या होगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है, आपके पूरे रो, आपके पूरी रो, आपके पूरे कॉलम को एब्सोल्यूट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर हमने रेफरेंस लिया, इसके बाद जैसे हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा डॉलर, इसके बाद हमारे पास आएगा कॉलम का नेम, ठीक है, तो जो कि है ए, इसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा डॉलर, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आएगा रो, रो हमारी जो है वन, ठीक है। अब यही हमें फॉर्मूला बार में भी शो होगा, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लगा देता हूं डॉलर, इसके बाद ये हमारा कॉलम आ गया ए, इसके बाद फिर से डॉलर आएगा, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास रो का नंबर आएगा। अब देखिए
जब हमारे कॉलम के आगे ये हमारा ए कॉलम है बी कॉलम, तो ये ए लिखा है तो ये ए को एक्सक्लूड कर रहा है, अगर बी लिखा होता तो बी को एक्सक्लूड कर रहा था। तो देखिए इसके आगे डॉलर लगा है तो ये हमारा फिक्स्ड हो गया पोजीशन, ठीक है। एब्सोल्यूट वन जो है हमारी रो, इसके आगे डॉलर लगा है तो ये इसको इसने एब्सोल्यूट कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। तो इजी, जब आप जैसे F4 प्रेस करोगे, कितनी बार, एक बार F4 प्रेस करोगे तो आपका ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा। अब ये करेगा क्या, ठीक है, ये समझते हैं। तो देखिए अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, ये हमारे इस सेल का रेफरेंस है ए वन सेल का, ठीक है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ए वन सेल में जो भी वैल्यू होगी वो आपको डी सिक्स सेल में मिल जाएगी। तो ए वन सेल में हमारे पास 10 है तो यहां पर मिल जाएगी, ठीक है, इजी। अब देखिए, अब मैं जब इसको नीचे फिल डाउन करूंगा, ठीक है, अभी जैसे हम रिलेटिव रेफरेंस में कर रहे थे ऐसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में करेंगे। अब मैं जब इसे नीचे फिल डाउन करूंगा तो फिल डाउन करने पे क्या होना चाहिए, ये जो हमारी रो है, देखिए रो वाइज फिल डाउन करते हैं, फिल राइट करते हैं कॉलम वाइज, तो ये जो हमारी रो है ये क्या होनी चाहिए, वन की जगह होनी चाहिए टू, ठीक है। जब ये हमारी रो वन है तभी तो हमारे पास टेन आ रहा है, जब मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो यहाँ पर ये टू होनी चाहिए, ठीक है, टू होनी चाहिए, जिससे कि मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी 20, ठीक है, ए टू सेल में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, जब हमारे पास डॉलर का साइन आ जाता है आगे तो इसका मतलब वो पोजीशन फिक्स्ड हो गई है, एब्सोल्यूट हो गई है, तो ये जो रो का नंबर है हमारा चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर ये रो का नंबर चेंज नहीं करेगा, तो ये मुझे 10 10 10 10 यही देता जाएगा। ए टू होता तो यहाँ पर 20 देता, ए थ्री देता तो यहाँ पर मेरे को 30 देता, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे 10 ही देगा। ऐसे ही जब मैं इसको फिल राइट करूंगा, फिल राइट कैसे करते हैं कॉलम वाइज, तो देखिए यहाँ पर मेरा ये ए वन सेल था, जब मैं इसको फिल राइट करे थे रिलेटिव रेफरेंस में तो ये बी वन बन गया था, लेकिन जब मैं इसे यहाँ पर इसको फिल राइट करूंगा तो ये जो ए है ये हमारा बी नहीं होगा, ये ए का ए ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू है हमें ए वन में हमें यही मिलेगी फिल राइट करने पे भी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमने क्या करा, ए वन बी वन दोनों को एब्सोल्यूट कर दिया, फिक्स्ड कर दिया इसकी पोजिशन। तो इस सेल में जो भी वैल्यू होगी हमें वही मिलेगी, चाहे आप फिल राइट करो, चाहे फिल डाउन, फिल डाउन करो, चाहे फिल डाउन फिल राइट करो, ठीक है। अगर यहाँ पर बी वन लिखा होता तो बी वन की वैल्यू आपको मिलती सिर्फ, सी वन लिखा होता तो सी वन सेल की वैल्यू मिलती सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने ए वन लिखा है तो सिर्फ ए वन की ही वैल्यू मिलेगी, कितना भी आप फिल डाउन करो या राइट करो, ठीक है। ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस कब बनता है, जब आप एक बार कीबोर्ड से F4 प्रेस करोगे। F4 हमारा फंक्शन की होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रेफरेंस है वो है रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो। इसमें देखिए ये जो हमारा ए है, ये ए हमारा कॉलम है, ये ए हमारा कॉलम है, और ए के आगे डॉलर नहीं लगा, ठीक है, ए के आगे डॉलर नहीं लगा, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। लेकिन वन क्या है, हमारी रो है, और इसके आगे डॉलर लगा है तो ये जो रो नंबर है ये हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैसे इसको यूज करते हैं, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं अपने D6 सेल में गया, आप किसी भी सेल में चले जाना, मैंने D6 सेल में गया, A1 लिखा मैंने, A1 सेल का रेफरेंस दे दिया, ठीक है, A1 सेल का रेफरेंस दे दिया, यहाँ तक तो इजी क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो कैसे बनेगा, सिंपल, आपको कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, फंक्शन की वाला, कितनी बार प्रेस करना है, जब आप इस पे एक बार प्रेस करोगे, जब आप इस रेफरेंस पे एक बार प्रेस करोगे तो ये आपका बनता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है, आपके रो एंड कॉलम दोनों को एब्सोल्यूट करेगा। लेकिन जब आप दो बार प्रेस करोगे, ठीक है, दो बार प्रेस करोगे तब ये आपका रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो बना देगा, ठीक है। यानी आपका कॉलम जो होता है वो रिलेटिव रहेगा, लेकिन जो आपकी रो नंबर होते हैं, जो रो होती है, वो एब्सोल्यूट कर देगा, कितनी, दो बार। तो अगर मैं इस पे एक बार कीबोर्ड प्रेस करूंगा तो ये एक बार F4 प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको दो बार F4 प्रेस करूंगा तो ये हमारा रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देगा। कैसे बनाएगा, यहां पर देखिए सबसे पहले मैं इसको मैं डॉलर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूंगा 1, क्योंकि हमारी इसने रो को बनाया है। तो यहां पर भी मैं फॉर्मूला बार में लिख देता हूँ डॉलर, ठीक है,
और यहाँ पर मैंने लिख दिया वन, ठीक है। तो ये जो हमारी रो है इसको इसने एब्सोल्यूट कर दिया, यहाँ तक तो इजी, ठीक है। दो बार जब आप F4 प्रेस करोगे, दो बार, ठीक है। अब देखिए जब आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तो A1 सेल में जो भी वैल्यू होगी वो D6 सेल में मिल जाएगी, ठीक है, D6 सेल में मिल जाएगी। अब आगे क्या हुआ, अब देखिए जैसे ही मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा, तो फिल डाउन करने पे आप देख रहे हो कि ये जो हमारी रो है यहाँ पर ये एब्सोल्यूट है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये A1 है तो ये A1 ही रहेगा, यहाँ पर देखिए 10 देगा, क्यों, अगर देखिए ये A2 होता यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे 20 देता, अगर ये A3 बन जाता, ठीक है, यहाँ पर A3 बन जाता तो 30 देता, A2 A3, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके आगे डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन मतलब एब्सोल्यूट, तो यहाँ पर ये हमें 10 10 ही देता जाएगा रो वाइज, ठीक है। लेकिन जब हम इसे फिल राइट करेंगे कॉलम वाइज, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा कॉलम है और ये इसके आगे डॉलर नहीं है, यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो जब आप इसको फिल राइट करोगे तो ये आपका बन जाएगा बी, ए की जगह बन जाएगा बी, और बी वन में आपके पास 20 है तो आपके पास यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको और फिल राइट करोगे तो ये बी की जगह बन जाएगा यहाँ पर सी, सी वन में 30 है तो यहाँ पर आपके पास 30 आ जाएगा। इसको आप और फिल राइट करोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा डी वन में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा, लेकिन जैसे आप कोई वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस होता है रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो, जब आप दो बार F4 प्रेस करते हो तब ये रेफरेंस आता है, जिसमें आपका जो कॉलम होता है वो आपका एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड नहीं होता लेकिन रो नंबर आपकी फिक्स्ड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रेफरेंस है इसमें एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो, इसमें आपका जो कॉलम है वो चेंज नहीं होगा लेकिन आपका जो रो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। कितनी बार, जब आप F4 जो हमारा फंक्शन की होता है इसको आप 3 बार प्रेस करोगे तब हमारे पास ये रेफरेंस आ जाता है, कैसे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। A1 लिखा मैंने, ठीक है, D6 सेल में मैंने A1 लिखा, ठीक है, मैंने A1 सेल का रेफरेंस दे दिया D6 सेल में। एक बार F4 प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाएगा, दो बार F4 प्रेस करूंगा तो रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो बनाएगा, तीसरी बार जब मैं F4 को प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो को बनाएगा, यानी क्या करेगा ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही मैं तीसरी बार इस पे F4 प्रेस करूंगा सबसे पहले डॉलर का साइन आएगा हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले डॉलर का साइन आएगा, इसके बाद हमारे कॉलम का नेम, इसके बाद वन, तो ये हमने क्या करा हमारे कॉलम को कर दिया इसने एब्सोल्यूट, ठीक है। यही मैं फॉर्मूला बार में लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा ए और इसके बाद वन, तो देखिए ये हमारा एब्सोल्यूट है, ठीक है, यहां पर देखिए कॉलम, ये जो ए है, ए क्या है, ये मेरा कॉलम है, तो ए के आगे डॉलर लगा तो ये एब्सोल्यूट हो गया है। अब देखिए जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, जो A1 सेल में वैल्यू होगी वो मिल जाएगी आपको 10, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको फिल डाउन करूंगा जैसे करते हैं रो वाइज करते हैं, तो देखिए जब मैं इसको फिल डाउन करूंगा तो अभी A1 है तो ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, A2, ठीक है, ये हमारा A2, क्योंकि देखिए रो हमारी फिक्स नहीं है तो ये A2 में क्या है मेरे पास 20 आ जाएगा। फिर से फिल डाउन करेंगे तो ये A3 हो जाएगा, A3 में 30 है तो यहाँ 30 आ जाएगा। फिर से फिल डाउन करेंगे तो ये A कॉलम है 4 रो तो 0 मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ 0 आएगा, और ये जो रेफरेंस होगा ये A4 बन जाएगा, लेकिन जब आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर वो वैल्यू आपको शो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रो है वो फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं कॉलम जो कि फिक्स्ड है, तो जब मैं इसको फिल राइट करूंगा तो ये A की जगह क्या होना चाहिए B होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पहले A1 कर दूं, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये A1 सेल 10, तो जब मैं इसको फिल राइट करूंगा तो ये B1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये B चेंज ही नहीं होगा क्योंकि कॉलम हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, कॉलम हमारा फिक्स्ड है, डॉलर लगा है इसके आगे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा A1 की वैल्यू ही देगा, ठीक है। फिर इसको फिल राइट करेंगे तो यहाँ पर 10 10, क्योंकि अगर देखिए ये B1 होता तो यहाँ 20 दे देता, अगर ये C1 होता तो यहाँ 30 दे देता, ठीक है, ऐसे D1 होता, D1 में कोई भी वैल्यू होती तो यहाँ वो दे देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा फिक्स्ड है, कॉलम हमारा फिक्स्ड है तो ये A1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सेल रेफरेंस होते हैं, तीसरी बार जब आप F4 प्रेस करते हो तो एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो बन जाता है।
आई होप आपको सेल रेफरेंस समझ में आया। ठीक है, चार तरीके के सेल रेफरेंस होते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, क्लियर कर दूंगा एक और वीडियो बना के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।